जब हमने कबड्डी स्टार्ट करी थी तो इनको ही देख के स्टार्ट करी थी, और भी जो सीनियर प्लेयर थे या ये थे, ये उस टाइम पे काफ़ी अच्छा खेल रहे थे जिस टाइम हमने स्टार्ट किया, और उस टाइम ये नेशनल और इंडिया कैंप तक लगा चुके थे। स्कूल नेशनल, जूनियर नेशनल, यूनिवर्सिटी जूनियर इंडिया कैंप मौजूद था। सबसे बढ़िया ट्रायल जो ऑफेंसिव ट्रायल थी इनके बतौर रेडर, नंबर एक पे इनका ग्रेड बना हुआ था। बिल्कुल, तो जो ही इनके सिलेक्शन की बात आती है विद इन ट्रायल, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में आके इनको नी इंजरी हो गई थी, उसी कारण से फिर ये एक किस्मत का मारा बोलूंगा मैं तो, फिर पीछे रह गया। इगर का गुजारा कुकर चल रहा है आजकल, बस एक पिलसन है बेटा और कुछ नहीं, गुजारा चल रहा है। अच्छा, पिलसन मतलब क्या है, रुपया है? बस 2,500 रुपया। 2,500 रुपया में कुछ? हम तो इनको स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं, घर की स्थिति तो काफी खराब थी और रोजगार कोई था ही नहीं, और इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल करे अपनी लाइफ में, और कबड्डी खेल के प्रैक्टिस करके आते थे तो घर पे कुछ खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी भी कुछ पता नहीं था, और दूध वगैरह तो कभी मिलता ही नहीं। तो भाई गूगल पे नंबर है 7357-9-12-65, दोबारा फिर भाई 7357-9-12-65, तो यू गूगल पे और फोन पे नंबर है प्रदीप नाम तो पाओगा, तो इसमें भाई जिस पैसे होगा उतना वो सहयोग करना है। वी आई पी हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मधु जगलन की राम राम। भाई गांव पाई में और पाई का आपने कबड्डी में बहुत नाम सुने, सर्कल कबड्डी में भी और नेशनल कबड्डी में भी, प्रो कबड्डी में भी 7-8 प्लेयर है पाई गांव के, और सर्कल कबड्डी का भी नाम सुने हैं, कोच भी शहरी और राजवीर पाला जी स्वर्गीय है, भारत से सी बलवान बहुत सारे गाँव ने स्टार दिए है, तो उनमें तो एक स्टार राजेश राजू नेशनल कबड्डी का बहुत बढ़िया प्लेयर रहा है जो आप मेरे पीछे देखने लग रहे हो, तो यू मकान भी उसे का है और बहुत गरीबी में खेलना शुरू किया था, आज भी गरीबे है लोगों का, तो मतलब चून भी भाई मैं इनके खाना पड़ा है, दो भाई थे शराबी थे उनकी भी डेथ हो गई है, और एक बुढ़ी माँ है बाप की भी पहले डेथ हो गई थी, भाई ने जब भी खेले करता बहुत बढ़िया गेम था, नेशनल भी खेले यूनिवर्सिटी भी खेले है, और जो प्रो कबड्डी में सुपर स्टार है उन गले नेशनल खेलिया है यूनिवर्सिटी खेलिया है, लेकिन उस टाइम जब भाई की चढ़ाई थी गेम अच्छा था एज थी एक सब पे एज आवे है, तो उस टाइम पटियाला रेलवे में वैकेंसी भी आई थी, गांव पाई में ट्रायल भी हुई थी, मतलब भाई का ट्रायल में इंजरी हो गई थी तो उस कारण पटियाला रेलवे में भी रह गया था, तो उसके बाद मतलब किस्मत लगा लियो भाई, किस्मत कौन थी नौकरी की, तो पूरी बातचीत करांगे, बहुत सारे प्लेयर भी आ रहे हैं, एक बार ऊपरली साइड दिखा दे, कोच साहब भी है प्लेयर भी है, और पूरी बातचीत करांगे पहलवंत है आज एक बार। यू मकान है भाई अंदर, अंदर तक भी दिखा देंगे आप, चलो अंदर चलो भाई, यह मेहनत दिखा दे पहलवान की, यह ट्रॉफी धरी है भाई, और यह बासण भांडे दिखा दे भाई, यह गरीबी है, तो राजू पहलवान है, राजेश नाम है राजेश शर्मा, और गुरुजी हमारे मामने बहुत कुछ सीखने मिला, गुरुजी थे शहरी कोच है, तो गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भाई मुद्र, और राम राम पहलवान। राम राम जी। तो गुरु जी आप तो बात करांगे, मतलब जब राजेश ने कबड्डी खेलना शुरू करया किसके गेम था, कितनी नेशनल खेली कितनी यूनिवर्सिटी खेली है, के कुछ लग गया इसमें, मतलब जॉब के बहुत सारे ऑफर आए थे। सबसे पहले तो मोदू जगलन भाई मैं आपका और आपके चैनल का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, कि आप मौके मौके पर जैसे मैं आपकी वीडियो देखता हूँ कि आपने खेल जगत के लिए बहुत अच्छा एक बीड़ा उठाया हुआ है, चाहे वो खिलाड़ी इंटरनेशनल स्तर का है चाहे वो निचले स्तर का है, और चाहे खिलाड़ी परिस्थितियों के मारे आज अपने घर पे बैठे हैं जैसे कि हमारे राजू शर्मा जी हैं। मैं जागलन साहब आपको बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा स्टार खिलाड़ी था हमारा जो कि हमें ये था कि इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा इसकी गेम परफॉर्मेंस को देखते हुए, क्योंकि बचपन में ही इसने राज्य स्तरीय जिला स्तरीय राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय लेवल के ऊपर बहुत अच्छा कबड्डी खेला है, चाहे वो जूनियर नेशनल की बात है ऑल इंडिया की बात है, मेरे खिलाड़ी प्रो कबड्डी के और हमारे गांव के स्टार खिलाड़ी यहां पर मौजूद है उनके साथ इन्होंने बहुत अच्छी कबड्डी खेली है, तो किस्मत ने कुछ ऐसा मोड़ आया कि जवानी में पिताजी चले गए, एक इनका भाई था वो भी चला गया, कोई भी कमाई का साधन इनके पास नहीं रहा, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि ये अपना आपा खो बैठे, और उसमें थोड़ा सा संगत दूसरी चले गए, गेम छूट गया, उसके बावजूद हमारे सभी खिलाड़ियों के प्रयास से प्रयत्न से फिर इनको एक नई जिंदगी देने का
अभी प्रयास चल रहा है। बिल्कुल, इसीलिए आज हमारे गांव के सभी स्टार खिलाड़ी यहां पर इकट्ठे हुए हैं ताकि आप और मीडिया के माध्यम से इस खिलाड़ी का और इस खेल का बचाव हो सके। बिल्कुल, और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। एक बार फिर मैं ये कहूँगा कि यदि ऐसे खिलाड़ियों को एक मानसिक, आर्थिक और शारीरिक हर प्रकार की सहायता इनको दी जाए तो हम खेल जगत को बचा सकते हैं। बिल्कुल जी। तो राजेश पहलवान तो बात करेंगे, तो पहलवान जी इस कबड्डी की शुरुआत कब करी थी अपनी फैमिली का, मतलब किसा था ब्योंत की सा था शुरू में? फैमिली बहुत गरीब थी जी, और 2001 से स्टार्ट करी थी जी। अच्छा, नेशनल कितनी खेली है पहलवान जी? नेशनल स्कूल, नेशनल जूनियर, नेशनल यूनिवर्सिटी, जूनियर इंडिया कैंप। जो नेशनल खेले, जो प्रो कबड्डी में स्टार है कुछ प्लेयर, उनमें तो रंडियाणा तो ले लियो, कथूरा तो ले लियो, जॉब पे भी बड़ी बड़ी जॉबों पे है, तो कौन से प्लेयर अपना गले खेले करते उस टाइम? मल्ला था, सुरजीत मल्ला, जो हरियाणा स्टीलर में और दबंग दिल्ली में था, नेवी में है, 2016 वाला एशियन गेम बारू का छोटा भाई सुरजीत मल्ला। ठहरू था, ठहरू कुलदीप सिंह पटना पायरेट्स में था। टोनू, राजेश नरवाल जयपुर मेंथर के स्टार, और काफ़ी प्लेयर थे जी। और जब ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी वगैरह खेली अपने, उस टाइम कौन से अपना गला चेहरे थे अपना गांव के और जो मतलब पूरा हरियाणा के थे हमारी टीम में? हाँ, अपनी टीम में, मेरी टीम में संजय था, प्रदीप, गुरविंदर प्रो कबड्डी स्टार, संजय प्रो कबड्डी स्टार, और राकेश प्रो कबड्डी स्टार, राकेश मेरे गांव का वो भी प्रो कबड्डी स्टार, अमित उड्डा प्रो कबड्डी स्टार जो इनकम टैक्स में आजकल जॉब कर रहा है, ये थे जी। और एक भाई करमवीर खेड़ा जो पटियाला रेलवे में जॉब है, और भी कुछ चेहरे थे मतलब याद नहीं है, थोड़ी सिचुएशन इसी आ रही है, भूल रहा है, कागज थे जो सर्टिफिकेट थे वह भी थोड़े खो दिए कि मेरा कड़ा गेट दिए कड़ा नहीं, तो इसकी भाई मैन कारण अपना मदद करनी भाई, मेरे जैसे 53-50 सब्सक्राइब, अगर कोई 10-10 रुपये भी देगा नहीं तो भाई का मकान बन जाएगा, मकान की स्थिति भी आप देख सको हो, और बहुत बढ़िया स्टार था भाई, मतलब माना तो थोड़ा उतरता टाइम देखा है मेरा गले भी खेलने का, मां नहीं मतलब खेलने का मौका मिला पहलवान गला, उस टाइम भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस बनाई दी थी, लेकिन यह सुनी है जब प्रैक्टिस करके आए करता उस टाइम भी मतलब भाई भी दारू पिए करते, वहाँ भी पिट्टे छेते करते, और दूध तो भाई पहलवान ने कदे देखे को नहीं, मतलब इतनी गरीबी, लोगों का चून मैं क्या रोटी खानी, और आज भी बहुत माड़ी स्थिति है, तो भाई जिस पे 10 पुग है, 50 पुग है, 100 पुग है, तो मदद जरूर करनी भाई, आज जुड़ के रिक्वेस्ट है, तो बाकी पहलवाना तो और बातचीत करांगे। तो कुछ प्रो कबड्डी के स्टार हमारे साथ है, संदीप डूल है, कुलदीप है जो हरियाणा स्टीलर में थे, और संदीप डूल ने तो भाई कई सीजन और कई अलग अलग टीमों में खेल चुके हैं, इससे जो अभी सीजन गया है दबंग दिल्ली के स्टार थे, लेफ्ट कॉर्नर आपने देखा होगा, तो पहलवान जी राम राम। राम राम भाई सभी को। पहलवान जी जब अपने शुरुआत करी कबड्डी में तो राजेश का किसा गेम हो करता राजू पहलवान? जब हमने कबड्डी स्टार्ट करी थी तो इनको ही देख के स्टार्ट करी थी, और भी जो सीनियर प्लेयर थे या ये थे, ये उस टाइम पे काफ़ी अच्छा खेल रहे थे जिस टाइम हमने स्टार्ट किया, और उस टाइम ये नेशनल और इंडिया कैंप तक लगा चुके थे। की स्थिति शुरू था, मतलब आप गांव के हो बहुत अच्छी तरह से जानो, की स्थिति थी पहलवान का घर की? हम तो इनको स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं, घर की स्थिति तो काफ़ी ख़राब थी और रोज़गार कोई था ही नहीं, और इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल करे अपनी लाइफ में, और कबड्डी खेल के प्रैक्टिस करके आते थे तो घर पे कुछ खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी भी कुछ पता नहीं था, और दूध वगैरह तो कभी मिलता ही नहीं था। अच्छा, एक अपना गांव में जो तो पटियाला रेलवे की ट्रायल हुई थी, ट्रायल दे रहे थे पहलवान जी, उसमें भी शायद इंजरी के कारण रह गए थे, के कुछ ट्रायल की परफॉर्मेंस थी वो बताइयो जी, आप बताओ जी आपने ज़्यादा बेरा। ऐसा जगलान साहब उस टाइम में मौजूद था, सबसे बढ़िया ट्रायल जो ऑफेंसिव ट्रायल थी इनके बतौर रेडर, नंबर एक पे इनका ग्रेड बना हुआ था। बिल्कुल, तो जो ही इनके सिलेक्शन की बात आती है विद इन ट्रायल, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में आके इनको नी इंजरी हो गई थी, उसी कारण से फिर ये एक किस्मत का मारा बोल लूंगा मैं तो, फिर पीछे रह गया। अच्छा, एक बात और जी, मतलब जैसे पहलवान की चढ़ाई थी उस टाइम, अपना गांव में खुद ट्रायल लेने आए थे महकमा, या तो बहुत बड़ी बात आपने मतलब अपनी लाइफ में कदे देखी खुद गांव में ट्रायल लेना आया कोई भी आर्मी या एयरफोर्स या रेलवे इनकम टैक्स जो भी है? ये इसलिए आए थे कि उस समय मेरे गांव की जो टीम थी नेशनल स्टाइल कबड्डी की, अपने कैथल डिस्ट्रिक्ट की, पहले तो आपका गाँव आता था रोहिड़ा, रोहिड़े के बाद पाई स्टार्ट हुआ था,
तो उस समय लगभग ये सन 2008-09 की बात है, शायद 8-09 की बात है, तो उस टाइम में बहुत अच्छा एक नेशनल स्टाइल कबड्डी का बड़ी अच्छी टीम थी हरियाणा के अंदर, मतलब पहले एक दो स्थान में टीम जाती थी। जैसे कि मैच खेलते थे बोर्डों के, निगम के, या फिर कोई ओपन ए ग्रेड के, तो प्रत्येक डिपार्टमेंट के कोचिज या फिर डिपार्टमेंट वहाँ के देखते थे, तो उनको पता था कि भाई गांव पाई जिला कैथल के अंदर एक बहुत बढ़िया नेशनल स्टाइल कबड्डी का कैरेज है, क्यों ना वहाँ पर चला जाए। उसके लिए मेरे स्वर्गीय श्री राजवीर सिंह जी कबड्डी कोच, मेरे बड़े भाई, उनसे संपर्क किया गया कोच साहब के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि आपका स्वागत है, आप आइए। हम बड़े भाग्यशाली हैं, जब एक किसी भी अपने डिपार्टमेंट का, रेल डिपार्टमेंट का या कोई भी और दूसरे डिपार्टमेंट का यहाँ पे आके कोई ट्रायल आयोजित करे, तो उसके लिए हम आपके बड़े धन्यवादी। और उस ट्रायल के अंदर जैसा कि आपको सुना, आपने भी बड़ी अच्छी कबड्डी खेल ली है, पता है, तो ये नंबर एक यानी कि वन ग्रेड में थे, सिर्फ इंजरी के कारण रह गए। रही प्रैक्टिस की बात, जैसे कि आप पूछ रहे थे संदीप भाई को कि प्रैक्टिस करने के बाद इनके घर पे तो सिर्फ पानी तो था पीने के लिए, बाकी जो डाइट जरूरी होती है कबड्डी, क्योंकि बॉडी कॉन्टैक्ट गेम है, तो उस पावर के लिए तो इनको जो चाहिए था ना, ये मैं बड़ा एहसानमंद हूँ कि हमारे जो साथी खिलाड़ी खड़े आज इसके पीछे, सभी इन्हीं का योगदान था, ये उसके साथ चले जाते थे घर पे, तो जो भी वहाँ डाइट लेते थे, क्योंकि गरीब थे इसलिए लेके जाते थे, और हाथ कंगन को आरसी क्या मकान आपके सामने ही है। थैंक यू। अच्छा, एक और भाई जो अपने मित्र है, प्यारे है, प्रो कबड्डी में स्टार है, वह भी गरीब ते उठे, जिस पे करोड़ों की बोली लग रही है, अगर वो वीडियो देखे भाई, जैसे विकास कंदोला है, पवन सहरावत है, भाई कुछ न कुछ जरूर मदद करनी, जिसा भी तारा पुग है, मान्यू नहीं कहते भाई इतने दो, लेकिन मदद जरूर करनी, 10 पुगो चाहे 1 रुपया पुगो करनी जरूर है भाई, तमने भी मैं दिन देखे है, शायद कुछ लोग मतलब भूल भी रहे हैं भाई, माना तो बेरा सच्चाई के है, लेकिन मदद भाई जरूर है, सबका जुड़ के अपील है कि 10 रुपये, 100 रुपये, 20 रुपये जैं भी पुग है, मदद करियो भाई। तो भाई राजेश पहलवान की माता जी है, सवाल तो के पूछेंगे भाई, गरीबी में थोड़े बहुत दिन काटे, सारी उम्र गरीबी में काट दी, तो दादी घर का गुजारा कुकर चल रहा है आजकल? बस एक पिलसना है बेटा, और कुछ नहीं, गुजारा चल रहा है। अच्छा, पिलसना मतलब क्या है? 1 रुपया है बस, 2,500 रुपया भाई, 2,500 रुपया में कुछ नहीं होता, मतलब चा चीनी भी चल रही, महंगाई का जमाना है। तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करिए, और भाई घर में बिजली लगनी है, इसके खाने दाने नहीं है, इस तक गरीबी भाई मन, मतलब दीपा पहलवान की भाई बहुत सारे लोगों ने मदद करी थी, चलो बहुत बढ़िया काम करया, और भाई जितने NRA भाई बैठे हैं विदेश में, अपनी वीडियो देखा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है भाई, दोबारा फिर भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ज़्यादा नहीं मतलब है भाई, जैसे लाखों मदद करी है पहलवान की भी, एकदम थोड़ा लोड पड़ रहा है, घर भी देने पड़े पीछे, तो भाई जितना ही पुग है, इस भी ना नहीं अगला भी ना, मदद जरूर करनी भाई, हाथ जोड़ के सारे तर अपील है। तो भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, अगर किसी ने मतलब 10 रुपये 5 रुपये नहीं पुग दियो तो शेयर करना कुछ नहीं जानता, किसी से भाई लो बिक जाएगी जो मतलब अकेला ही मदद कर सके, ताकि भाई पहलवान का मकान बना सका, और मतलब बिजली का जो भी वो घर में एक सारा कुछ हो सके। तो भाई मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।